आपको पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि मैंने इस व्यक्ति की मदद की, चुनाव जीतने में उस व्यक्ति की मदद की, वो विवाद का विषय हो सकता है किसकी किसके किसने कितनी मदद की, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने में मैं मदद कर सकता हूं, तो बिहार के नौजवानों को मुखिया और एमएलए बना सकता हूं। छात्राएं बैठी हुई हैं, इनका विशेष तौर पर अभिनंदन करना चाहता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए कि हम लोगों की जो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें यंग लड़कियों का राजनीतिक स्थल पे किशोर जी ने जो कल बयान दिया है कि वो किंग मेकर हैं, एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लोग तो नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रख रहे हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी जमा पूंजी के बदौलत, पार्टी के नेता और नीति के बदौलत अपनी राजनीति में साख बनाता है और उसके बदौलत जनता उसको आत्मसात करती है कि हम उनको उनका चुनाव करेंगे। हमारे लिए तो माननीय नीतीश कुमार इस पार्टी के रोल मॉडल हैं, रोल मॉडल की केवल पार्टी के लिए राष्ट्रीय राजनीति में है जो पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं। तो निश्चित रूप से एक सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार के एजेंडा के तहत काम करना और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना, ये अपने आप में गौरव का क्षण होता है। इसलिए एमएलए और एमपी बनाना अथवा राज्य या देश के महत्वपूर्ण पदों पर नामित किया जाना, ये जनता के जनादेश से होता है। हम लोग वातावरण बनाते हैं, जनता तय करती है, इसलिए यह भ्रम की स्थिति हम लोगों को नहीं है कि हमारे चलते, बल्कि माननीय नीतीश कुमार जी की साख और जनता उसको स्वीकार करती है, इसके बदौलत कोई आदमी पद पर पहुंचता है। तो उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, अब वो जाने, उनका मंतव्य जाने, लेकिन राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी जमा पूंजी के बदौलत और पार्टी के नेता की साख, नियत और जनता के बदौलत समर्थन से ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। सहायक की भूमिका में केवल और केवल जनता होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।